चंद्रमा पर रोवर ने दी खुशखबरी, विकसित होगी कॉलोनी। विक्रम एस सीन बाय प्रज्ञान ऑन 30 अगस्त। आपको ये देखकर खुशी होगी कि विक्रम अपने चारों पैरों पर खड़ा है और सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से वो परछाई भी पड़ रही, उसमें एक गड्ढा भी दिख रहा है जहाँ पे वो लैंड हुआ है। और चेस्ट और इल्सा नाम के पेलोड भी दिखाई दे रहे हैं, और प्रज्ञान में दो कैमरे लगे हुए होंगे जिसकी सहायता से वो सारी चीज़ें देखता और पिक्चर लेता है, और उसी से उसे पता लगता है कि पत्थर आ रहा है क्या आ रहा, उसी के हिसाब से फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन विक्रम को भेजता है, विक्रम अपनी इन्फॉर्मेशन इसरो को भेजता है, और फिर उसके हिसाब से डिसीज़न लिया जाता है। ये खुशखबरी आपको सुनकर अच्छी लगेगी कि रोवर ने बताया कि चंद्रमा की सतह पे कई खनिज और तत्वों को पता लगा है, जिसमें से पहला है ऑक्सीजन जो सॉलिड फॉर्म में है, जो मिट्टी में पाया गया है। और सॉलिड फॉर्म जो होता है जैसे Li2O, CO2, H2O। H2O पानी का फॉर्मूला है जिसमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और अगर ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में तो हाइड्रोजन को ढूंढना आसान हो जाएगा। इसरो को पहले से भी पता था कि अमेरिका ने स्पेस में ऑक्सीजन ढूंढी है, तो वो उसको उम्मीद थी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिल जाएगी और साउथ पोल पे हम लोग कॉलोनी बसा पाएंगे। लेकिन ये पता करना आवश्यक हो जाएगा कि मिट्टी में कितनी मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इसके अलावा और भी कौन कौन से तत्व प्रेजेंट हैं। लेकिन इसके लिए पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रज्ञान कैसे पता करता है कि इसमें एलिमेंट प्रेजेंस हैं। तो उसके लिए हम लोग चलिए जानते हैं कि उसमें एक लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है जो ये पेलोड है, और ये सरफेस पे हीट करता है जिससे प्लाज्मा बनता है और स्पेक्ट्रम बनाता है, जिससे स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोमीटर रीड करता है। हर तत्व का स्पेक्ट्रम डिफरेंट बनता है और जिसकी वजह से ये पता लगता है कि कौन सा तत्व मौजूद है, जिसमें से सल्फर सबसे अहम है और केवल ऑक्सीजन हाइड्रोजन ही नहीं पता लग। बहुत से ऐसे तत्व पता लगे हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे जानेंगे और वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सल्फर जो है वो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अगर सल्फर उपस्थित है तो इसके मतलब है कि चंद्रमा पर जीवन आसानी से उत्पत्ति की जा सकेगी और आदमी आसानी से रह पाएगा। कई प्लांट और बैक्टीरिया को मिट्टी से सल्फर मिलता है। कई अमीनो एसिड और एंजाइम्स में ये प्रेजेंट होता है। प्लांट का एक ये अहम घटक है और सल्फर जीवन ढूंढने में अहम भूमिका इसलिए निभाएगा। ह्यूमन की स्वास्थ्य बनाने और बीमारी से रोकने में भी सल्फर काम आता है। रेफ्रिजरेशन, हीट पाइप और टर्बाइंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। सोलर एनर्जी स्टोरेज बैटरी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से सल्फर की अपनी एक अहम भूमिका है। सल्फर के अतिरिक्त बहुत से अन्य तत्व भी मिले वहाँ पर, जिसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन है, जो कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होंगे। आदित्य L1 अब लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया गया है और ये 2 सितंबर को लॉन्च होगा, जो कि एक सूर्य मिशन है और इसकी तारीख आ गई है। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं जिसमें 4 सीधे सूरज की तरफ हैं, और ये रॉकेट PSLV XL के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। लोग कहते हैं क्या यहाँ पर जाने पर भस्म नहीं हो जाएगा सूरज की गर्मी से, तो आपको बता दें कि सूरज का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहाँ तक कोई भी नहीं जा सकता है। और जिस जगह पर ये आदित्य L1 जाएगा वो 15 लाख किलोमीटर दूर है, जबकि सूरज हमारा 15 करोड़ मीटर दूर है, और कुल दूरी का 1% ही कवर करेगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हो सकता है आदित्य L1 को अपनी ओर खींच कर भस्म कर ले। तो इसके लिए हम लोगों को पहले से रेडी रहना है, और जिस जगह पर ये जाएगा उसको L1 पॉइंट कहते हैं या लैग्रेंज पॉइंट कहतेंगे। ये सूरज और पृथ्वी के बीच का स्पेस क्राफ्ट
पोजीशन है जहाँ पर ये जाएगा, और इसको इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि दोनों की ग्रह पर बैलेंस होती है उसी जगह पर ये जाएगा। सूरज और पृथ्वी के बीच 5 लेवरेज पॉइंट हैं, जहाँ आदित्य जाएगा उसको L1 एरिया कहते हैं, जहाँ पर सूरज का अध्ययन करेगा ये। यहाँ स्पेसक्राफ्ट आसानी से कक्षा में चक्कर लगा सकेगा और सूरज और धरती के बीच अपनी ग्रेविटी को बैलेंस कर पाएगा। जहाँ पर ग्रेविटी सूरज और पृथ्वी की टकराती है उसको लेवरेज पॉइंट कहते हैं। इसका नाम इसी वजह से आदित्य L1 रखा गया, क्योंकि ये लेवरेज L1 पे पहुँचेगा, 4 महीने में वहाँ पे पहुँचेगा और 5 साल तक काम करेगा और चीज़ों को समझेगा। This is all today, viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel, Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link, join my Telegram channel Tech Ratan, and press bell all. Thank you. Please, आप लोग comment जरूर करिएगा तो पता लगे कि कैसा बना है। चाहे अच्छा comment हो चाहे खराब comment हो, आप लोग comment जरूर किया कीजिए, जिससे पता लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई, क्योंकि उससे हमें फीडबैक मिलता है और हम उसी के हिसाब से वीडियो को आगे भी बना पाएंगे। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, जिससे हम आगे आपके हिसाब से वीडियो बना सकें। थैंक यू।